common tangents to two circles. देखेंगे इसको. टू सर्कल्स में टू टाइप्स की कॉमन टेंजेंट्स होती हैं. पहले कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम टाइप की बात करें दो सर्कल्स में, तो दो तरह की टेंजेंट्स होती हैं. इसको मतलब टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड सेकेंड वन इज नोन एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ही हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी लिख सकते हैं. क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट. और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इंटरनल कॉमन टेंजेंट. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट में क्या होता है? सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स lie on the same side of tangents. दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स होते हैं वो कॉमन टेंजेंट के सेम साइड में होते हैं. और इंटरनल में क्या होता है? सेंटर्स lie on opposite side. जो सेंटर्स होते हैं वो टेंजेंट के अपोजिट साइड में होंगे. ठीक है. ये दो सर्कल्स हैं ये जो टेंजेंट हो गई, मान लीजिए ए बी, इन दोनों सी सर्कल पे टेंजेंट. ये सेंटर्स है सी वन सी टू. ये दोनों सेंटर्स इस टेंजेंट के दोनों पे जो सर्कल पे टेंजेंट होगी वो कॉमन टेंजेंट. ये लाइन ए बी फर्स्ट सर्कल पे के लिए भी टेंजेंट है और सेकंड के लिए भी टेंजेंट है. ये कॉमन टेंजेंट हुई. अब ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है या इंटरनल कॉमन टेंजेंट है? तो ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि ये दोनों सेंटर्स एक ही तरफ है. या दोनों सर्कल्स भी आप कह सकते हैं, ये दोनों सर्कल्स इस लाइन के एक ही तरफ है. और वही अगर इस तरह से लाइन हो, ये भी टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट पी क्यू. ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये देखिए इस टेंजेंट के दोनों सर्कल अपोजिट साइड है, इनके सेंटर्स भी अपोजिट साइड हुए, तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट. ठीक है, नोट करिए. अब ये तो मैंने ऐसे बना दिए डायग्राम. ऐसे आप देखोगे इधर भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी और ऐसे ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें आएगी. अब ये दोनों सर्कल्स के बीच सेंटर्स जो हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस के सम से भी ज़्यादा है. ये सर्कल्स सेपरेटेड हैं, लेकिन सर्कल्स इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. तो सर्कल्स की अलग अलग पोजिशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स चेंज होती हैं. तो वो लिखेंगे हम लोग इसमें पोजिशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. ये लिख लेते हैं पहले. लेट सेंटर्स बी C1, C2. सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो C1, C2 हैं. एंड रेडियस भी R1, R2. टू गिवन सर्कल्स, ये जो दो सर्कल्स हैं इनके सेंटर C1, C2 है, रेडियस R1, R2. फर्स्ट केस यही लिख लेते हैं. इफ C1, C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आता है, जैसा कि ये डायग्राम में था.
C1 C2 greater than R1 plus R2 आता है, then circles are separated. सर्कल्स अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे. देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, यहाँ पे जैसे कि ऊपर बनाया, 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी इन दोनों सर्कल्स में. 4 कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी. 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगे. नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए. ठीक है, सेकंड केस देखें. सेकंड केस है C1 C2 बराबर R1 प्लस R2. सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर हो, देन सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे. ये इस तरह से डायग्राम हो गए. दो सर्कल्स हैं C1, C2. इनके बीच के जो डिस्टेंस है सम ऑफ रेडियस के बराबर. तो यहाँ देखिए, एक कॉमन टेंजेंट तो ये मिलेगी, दूसरी कॉमन टेंजेंट ये हो गई. ये दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. और एक कॉमन टेंजेंट यहां मिलेगी जो जहां पॉइंट टच कर रहा है. इस टेंजेंट के सर्कल्स अपोजिट साइड है, तो ये वाली जो टेंजेंट है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है. तो इस केस में हमें 3 कॉमन टेंजेंट्स मिल रही हैं, जिसमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है एंड 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? शिवेंद्र, आ रहा है समझ में? यस सर. नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. फिर C1 C2 फर्स्ट केस में R1 प्लस R2 से बड़ा है, दूसरा है R1 प्लस R2 के बराबर है. थर्ड केस है इफ C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है. R1 प्लस R2 से छोटा है लेकिन R1 माइनस R2 के मॉडुलस से बड़ा है, मतलब R1 R2 में जो भी बड़ा हो, डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा है, तो क्या होगा उस केस में? देन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये सर्कल्स होंगे एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. इस तरह से हैं 2 सर्कल्स, सेंटर्स के इसकी जो डिस्टेंस है C1 C2 ये R1 प्लस R2 से लेस है लेकिन R1 माइनस R2 से ग्रेटर है. तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. अब इनमें कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे तो इधर एक कॉमन टेंजेंट आ जाएगी और इसी तरह से इधर मिल जाएगी कॉमन टेंजेंट्स. तो 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगी और ये दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे. इन दिस केस वी विल गेट 2 कॉमन टेंजेंट्स और
सर्कल्स टेंजेंट्स के एक ही तरफ हैं दोनों सर्कल्स या सेंटर्स उसके, तो दोनों ही क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नोट करेंगे, नेक्स्ट केस लेंगे हम लोग C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑन मॉडुलस R1 माइनस R2। C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, देन सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, डायग्राम वाइज सोचें इस तरह से आएगा, ये पॉइंट पी पर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, ये पी पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों ही एक ही तरफ होंगे, केवल यही एक टेंजेंट आएगी C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है डिफरेंस ऑफ रेडियस है। इस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट मिलती है, वन कॉमन टेंजेंट, and that will be direct common tangent. Last case, if C1 C2 is less than modulus R1 minus R2, distance है जीरो तक हो सकती है, जीरो हो जाएगा तो concentric circle होंगे, और less than R1 minus R2 है तो इसका मतलब एक जो circle है completely दूसरे circle के अंदर होगा, और या नहीं तो इसको touch करेगा, नहीं intersect कर रहा है। One circle is completely inside other. जैसा कि डायग्राम में है, तो उस केस में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। सर्कल्स का सेंटर सेम रहता है या अलग होता है? जीरो के बराबर होगा तो सेम हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग होगा। इसका C1 है, इसका C2 है, ठीक है। C1 C2 जीरो हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रिक होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जीरो हो गया तो कॉन्सेंट्रिक हो गया। तो ये हमने देखा पोजीशंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके लिए दोनों ही कॉमन टेंजेंट्स होनी चाहिए,
तो सर्कल सेपरेटेड है उस केस में हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए ये दो टू सर्कल्स ले लिया सी वन सी टू, ये सेंटर्स हैं। पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। एल ई एक्स उसी से लिखा है, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट वर्ड से। ये ए बी है, ये टेंजेंट है तो सर्कल से सेंटर्स ज्वाइन करोगे तो एंगल सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही थी, हैंग हो गई। देखो कहाँ तक पढ़ा था उसमें, सर बस शुरू किया था आपने डायग्राम बना।
देखिए कहां से लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये पढ़ लिया हमने लेंथ बोलिए नो सर ये फिफ्थ पॉइंट हो गया था लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहां पर ठीक है इस आर्टिकल से स्टार्ट करना है yes. इससे पहले तो मार्शल ने डाउट पूछा ही था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है या नहीं हाँ ठीक देखिए लेंथ ऑफ नेक्स्ट आर्टिकल था लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो दो सर्कल्स हैं जिनके बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी है रेडियस आर वन एंड आर टू है इनके तो ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी तक की लेंथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की डिस्टेंस है यही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ इसके लिए बी पॉइंट से सी वन सी टू के पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये डी है तो ये लेंथ डी ये आर टू है तो ये लेंथ भी आर टू तो ये आ जाएगा आर वन माइनस आर टू अब इसमें पाइथागोरस लगाइए तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू स्क्वायर तो एल ई एक्स यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू स्क्वायर का रूट ले लेंगे यही है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं और देखिए फिर से यही एक डायग्राम बनाए दो सर्कल्स हैं इस पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आगे जाके पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करें ये एंगल कितना हुआ 90 ये 90 है ये कॉमन एंगल हो गया अगर मैं ट्रायंगल ए सी वन एम और ए बी एम बी सी टू की बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे सिमिलर होंगे क्या तो हम ये कह सकते हैं एम सी वन इज टू एम सी टू सिमिलर ट्रायंगल है तो ये बराबर होगा आर वन इज टू आर टू इससे हमें क्या मिल जाता है अगर सी वन सी टू आर वन आर टू दिए हुए हैं तो एम मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चंस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ रही तो इसकी हेल्प ले सकते हैं सिमेट्री की ठीक है नोट कर लीजिए अब इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट ये है कॉमन टेंजेंट्स इसको मैंने इससे सेंटर ज्वाइन किया सी वन इसके सी टू ये रेडियस आर वन आर टू और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू है ये मुझे कैलकुलेट करना है लेट अस अज्यूम ये ए बी है ये लेंथ कैलकुलेट करना ये सी वन सी टू कितना है डी ये एंगल 90 अब क्या करना है आपको फिर से भाई वर्क है सी वन सी टू के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है बी से इसको आगे एक्सटेंड कीजिए ये पैरेललोग्राम बना ये डी है तो ये लेंथ भी डी होगी ये आर टू है तो ये लेंथ आर टू ही अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए ये ए भी कितना हुआ लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो डी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट स्क्वायर प्लस आर वन प्लस आर टू स्क्वायर मीन्स लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट विल बी रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू स्क्वायर एक्सटर्नल में क्या था आर वन माइनस आर टू और यहाँ है आर वन प्लस आर टू सेम है बाकी तो डी स्क्वायर में से यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल में हम R1 minus R2 subtract कर रहे हैं यहाँ पे R1 plus R2 का square subtract कर रहे हैं तो clearly length of external common tangent will be always greater than length of internal common tangent अच्छा symmetry से ये भी आप देख सकते हैं ये दोनों triangle भी similar हैं तो QC1 is to QC2 calculate करें QC1 is to QC2 तो क्या आएगा R1 is to R2
लेकिन यहाँ पे क्यू जो है सी वन सी टू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और इधर एम यहाँ पर किस में डिवाइड कर रहा था, आर वन इज टू आर टू में था, एक्सटर्नल डिविजन था ये, सी वन सी टू को एम रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, जबकि क्यू जो इंटरनल कॉमन टेंजेंट से वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। नोट करें इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ आर, such that the circle x minus 1 square plus y minus 3 square is equal to r square and x minus 4 square plus y plus 1 square is equal to 9 intersect at two distinct points. Intersect at two distinct points. R की रेंज कैलकुलेट करनी है जिसके लिए दोनों सर्कल्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें। सर 2.8 नहीं मतलब एक रेंज आई ना आर की 2 से 8 यस 2 टू 8 एक इंटरवल है जिसमें इसका सेंटर फर्स्ट सर्कल का है 1.3 और सेकंड का है 4.-1 रेडियस पहले की आर है और दूसरे की है 3 अब दो सर्कल्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट करते हैं जब सी वन सी टू की जो है वैल्यू आर वन माइनस आर टू के मॉडुलस से ज्यादा हो और आर वन प्लस आर टू से लेस हो ठीक है फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो कंडीशन है इस कंडीशन को अप्लाई करें अब C1, C2, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैलकुलेट किया 4-1, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना आ गया 5, R1 प्लस R2, R प्लस 3, मॉडुलस R1 माइनस R2, R माइनस 3, इसे सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो R प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो R ग्रेटर देन 2 आ गया, और इससे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस R माइनस 3 लेस देन 5, तो R माइनस 3 क्या होगा, माइनस 5 से प्लस 5, 3 ऐड करेंगे तो R माइनस 2 से 8 ये एक इनइक्वालिटी से आया और दूसरी इनइक्वालिटी से आ रहा है दोनों का ही इंटरसेक्शन लेंगे रेडियस नेगेटिव तो होती नहीं और फिर ये देख सकते हैं 5 ग्रेटर देन R माइनस 3 है एंड लेस देन R प्लस 3 तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो R की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी 2.28 R की वैल्यू होगी 2.28 नोट करेंगे कोई भी डाउट है तो बताइए नोट कर लीजिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द नेचर ऑफ the triangle find the nature of the triangle formed by common tangents to the circles
एस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड द नेचर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाई कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स क्या होगा isosceles triangle isosceles triangle देखते हैं नेचर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय कॉमन टेंजेंट्स तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या हुआ 3,0 रेडियस कितनी है फर्स्ट सर्कल की 3,0 सेंटर रेडियस है 3 सेकेंड सर्कल का सेंटर है -1,0 और रेडियस है 1 ये है ना दोनों कैसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ओरिजिन पर देखिए सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4 रेडियस के सम के इक्वल है तो ये इनके कॉमन टेंजेंट से एक सर्कल बन रहा है सॉरी ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी ये कॉमन टेंजेंट्स है ए बी ए सी और बी सी इस ट्राइंगल का नेचर बताना है कि कैसा हो आइसोसेलेस तो होगा ही सिमेट्रिक देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे ए बी ए सी और देखते हैं ये है 1 ये हो गया 3 लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस एक्स है ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिखोगे टेन थीटा सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/90 के अपोजिट एक्स ये बड़े वाले ट्राइंगल को देखें तो ये लेंथ है 3 और ये कितना हुआ 3 + 1 + x 3/4 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 + x बराबर 3x 2x = 4 तो x बराबर 2 हो गया ऐसा x इज इक्वल टू 2 x 2 यहां रख दें तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 मींस थीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री तो ये 30 और ये 30 ये पूरा हो गया 60 डिग्री अच्छा ये 30 है ये 90 है क्या ये y एक्सिस है तो ये कितना होगा 60 तो ये एंगल भी कितना हुआ 60 डिग्री तो तीनों एंगल 60 डिग्री है देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ये ट्राइंगल कैसा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा नोट करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सर्कल में रेडिकल एक्सिस कोई डाउट है सॉल्यूशन में तो बताइए नेक्स्ट आर्टिकल है रेडिकल एक्सिस लिखेंगे सर It is locus of a point. It is locus of a point.
moves such that power of a point or length of tangent ठीक है वैसे आप पावर ऑफ पॉइंट ही देख सकते हो क्योंकि स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है पॉइंट एक्सटर्नल हो तो लेकिन यहाँ इंटरनल भी होगा तो भी वहां पावर ऑफ पॉइंट देखेंगे इट इज लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट पावर ऑफ पॉइंट फ्रॉम इट टू टू गिवन सर्कल्स आर इक्वल नोट करेंगे डेफिनेशन वो पॉइंट है जिससे दो गिवन सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो और पॉइंट अगर सर्कल्स के इंटरनल में चला जा रहा है तो पावर ऑफ पॉइंट देख सकते हो पावर ऑफ पॉइंट इक्वल हो लेट अस अज्यूम सर्कल बी सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स और टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट सर्कल है एंड सर्कल्स एच टू सेकेंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ये दो सर्कल्स हैं ऐसे टू सर्कल्स हैं एक पॉइंट पी है जिससे इन पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल कह दीजिए इक्वल है या पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं कैसे भी आ सकते हैं सर्कल्स वो अलग अलग केसेस आगे पढ़ेंगे हम लोग इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वही रेडिकल एक्सिस है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो या ये करना हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं वन बना लेते हैं पहले ठीक है तो सिंस ठीक है कोई डाउट है तो बताइए और किसी और का पेन नहीं चलना चाहिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछेगा ठीक है और कोई हरकत नहीं होनी चाहिए क्लास में पी से क्या है दोनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है देयरफॉर पीए इज इक्वल टू पीबी कह दीजिए या पीए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर रखेंगे इसमें तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यही तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन और ऐसे इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू के प्लस सी टू एच की जगह एक्स के की जगह वाई लिखोगे तो वही लोकस होगा तो लोकस क्या हो गया एच की जगह एक्स लिखोगे तो एस वन आ जाएगा और ये क्या मिल जाएगा एस टू मतलब एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो ये है लोकस एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फॉर टू गिवन सर्कल्स लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाए वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाए तो वो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन आप रेडिकल एक्सिस लिखना हो दो सर्कल्स एस वन एस टू दिए हुए हो तो उनको आपको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो यही कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी होती है जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम होते हैं पता है ना कॉमन कॉर्ड पहले एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को ठीक है तो यहां पर रेडिकल एक्सिस अगर आप देखेंगे एस वन माइनस एस टू करेंगे तो आएगा टू जी वन माइनस जी टू इंटू एक्स प्लस टू एफ वन माइनस एफ टू इंटू वाई प्लस सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो
नोट कर लें। अब रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस कर सकते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज अ लाइन, ये एक रेडिकल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन परपेंडिकुलर टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल। दो सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस जो होगी वो इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी लेकिन मिड पॉइंट से पास नहीं होती है, ये बस इसके परपेंडिकुलर है, ये है रेडिकल एक्सिस। मान लीजिए वही सर्कल्स ले लिया मैंने जो अभी ऊपर एज्यूम किए थे, सर्कल्स एस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड एस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों सर्कल्स हैं, ये हो गई रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, यहां पर रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, दैट इज टू टाइम्स जी वन माइनस जी टू इंटू एक्स प्लस टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ टू इंटू वाई प्लस सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो, ये आ गई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। इसका स्लोप कितना होगा रेडिकल एक्सिस का, माइनस टाइम्स जी वन माइनस जी टू अपान एफ वन माइनस एफ टू, यही अगर सी वन सी टू का स्लोप कैलकुलेट करें, यह है स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। टू पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन मतलब एफ वन माइनस एफ टू अपान जी वन माइनस जी टू, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अगर m1 है या m2 है तो सिंस m1 m2 is equal to minus 1 आ रहा है, therefore radical axis is perpendicular to c1 c2 line joining centers करें। ये फर्स्ट पॉइंट है रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड, दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस, उन सर्कल्स की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल होना चाहिए, यही आ जाएगी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको ये, और भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और नेक्स्ट टू डीपीपी सर्कल्स की डिस्कस करेंगे, डीपीपी फाइव एंड सिक्स। कोई भी डाउट है तो और बताएं।